नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई आईफोन, बढ़िया महंगे फ़ोन सस्ते में लेने का लालच किसका नहीं होता, सबका होता है ना। हर वो इंसान चाहता है कि अपने पास आईफोन हो, लेकिन भाई कीमत ज़्यादा होने की वजह से हर इंसान वो फ़ोन नहीं ले पाता है, तो कहीं ना कहीं जुगाड़ में लग जाता है, कोई सस्ता फ़ोन मिल जाए, कोई सेकंड हैंड फ़ोन मिल जाए, ऐसा होता है ना। और ख़ास तौर से मैं बता दूँ विदेश के मामले में, यार दुबई में आईफोन सस्ते हैं, रियलिटी में ही सस्ते हैं। आईफोन 12 प्रो की बात करें तो भाई इंडिया में एक 135 या 30 के करीब मिल रहा है। वही फ़ोन अगर आप दुबई में लोगे तो 95,000 में मिल जाता है, 90-95,000, यानी 30-35-40,000 तक का डिफरेंस आ जाता है। तो ये लालच है ना, कहीं ना कहीं इंसान को फिर गलत रास्ते पे ले जाता है। जी हाँ, लाइव एग्जांपल मैं बताऊंगा। उन लोग भाई, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग सस्ते मोबाइल के चक्कर में सोशल मीडिया पे लगे रहते हो ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और भी बहुत सारे आजकल ऐप चल रहे हैं सस्ता मोबाइल के चक्कर में। ओलेक्स पे तो आपको पता है नॉर्मल सा हो गया, फौज पुलिस के नाम से लोग ठग लेते हैं, आराम से ठगवा भी लेते हैं। लाइव एग्जांपल हम बात करेंगे, जो लोग विदेश के नाम से सस्ती चीज़ लेना चाहते हैं ना, उनके साथ क्या हो सकता है। वीडियो पूरा देखते रहिए, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ऋतिक चौधरी उदयपुर वाटी का नाम आया तो शायद राजस्थान झुंझुनू का बंदा दिल्ली में, जी हाँ दिल्ली में उनका कॉन्टेक्ट हुआ को इंस्टाग्राम से। चित्रकूट एरिया है, आपको सबको पता है दिल्ली में, जी हाँ वहाँ से को इंस्टाग्राम ऐप के माध्यम से किसी बंदे से दोस्ती। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया, दोस्ती आप किसी से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचना ये कि अगला कितना सही है, आप कितने सही हो, ऐसा ये जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्ती हो गई, चैट होती रही काफ़ी टाइम के बाद में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं तो बातचीत हो जाती है कि मैं विदेश में रहता हूँ या मैं सस्ते मोबाइल से रिलेटेड बात चलने निकल पड़ती है। अगला बोलता है जी आईफोन यहाँ पे तो इंडिया में तो महंगा है, 1,25,000 से ऊपर आ रहा है, आपको मात्र कितने पैसे, मात्र 33,000 में आईफोन ला दूंगा आपको। जी हाँ, तो बंदा देखिए एक लालच होता है ना आदमी को, बंदा बोलता है वाह यार यहाँ तो बहुत महंगा फोन मिल रहा है, अपने को 33,000 में फोन मिल रहा है, तो चटाक से उसने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर। थोड़े दिन के बाद में, 5-7 दिन के बाद में, हाँ जी फोन आ गया आपका, कस्टम विभाग में फंस गया, कस्टम ड्यूटी मांगी है, ये 25,000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे क्योंकि फोन तो महंगा है, तो कस्टम ड्यूटी टैक्स लगता है ना, ये इंडिया में टैक्स की वजह से तो फोन महंगा होता है, तो आपको टैक्स और देना पड़ेगा। तो बंदे ने क्या किया, 25,000 रुपये और दे दिए, 33,000 रुपये पहले दिए, फिर कस्टम से मोबाइल को छुड़ाने के लिए 25,000 और दे दिए। तो मतलब फ़ोन तो आईफोन प्रो होगा ना, 12 प्रो, 1,00,000 रुपये से ऊपर, तभी तो इतने पैसे दिए ना। यहाँ पर भी बंदे की आँख नहीं खुली, बाद में तो एक दो दिन का टाइम निकाल के यार वो फोन तो जब्त हो गया, नहीं मिला आपको, एक काम करते हैं सैमसंग का भेज दूंगा 2,00,000 का, आजकल आपको पता है सैमसंग का फोल्डिंग कार बहुत महंगे महंगे फोन आते हैं, वो फोन मैं आपको भेज दूंगा, आप एक काम करो 79,000 रुपये करेंसी और डाल दो। तो बंदे ने 97,000 रुपये, 1,00,000 आप मान सकते हैं, 1,00,000 रुपये के करीब और उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए। जैसे ये पैसे गए बंदे का फोन स्विच ऑफ, तब जाके उसको एहसास हुआ कि भाई तेरे साथ ठगी हो चुकी है, मौज कर दी बेटे ने, कमा लिए उसने तो 1.5 लाख के करीब पैसे उसने ठगा लिए। जी हाँ, 1,54,000 रुपये का चुन्ना लगवाने के बाद में उसकी आंख खुली, बाद में पुलिस में उसने FIR दर्ज करवाई कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे मुझे लालच दे के ऐसे मेरे से पैसे ठग लिए। अब पुलिस उसके ट्रांजेक्शन के आधार पर जाँच करेगी, नंबरों के आधार पर, अकाउंट नंबर में, कि भाई कौन से अकाउंट नंबर में कौन से कहाँ से ट्रांजेक्शन हुआ है। अब उस बंदे ने जिसने पैसे लिए उस अकाउंट में, पुलिस आराम से पहुँच जाएगी। देखिए ठीक है, उसने कितने भी गलत, अब देखिए एक तो ये होता है कि बंदा मतलब यहाँ का है और इसने अकाउंट यहाँ का खुलवा लिया दूसरे के नाम से, तो पुलिस यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, समझ गए। अब यहाँ का बंदा है, अगर इसके नाम से अकाउंट है तो अकाउंट तो बैंक में जाते, अकाउंट नंबर वगैरह सब एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, तो पुलिस आराम से उस तक पहुँच जाएगी। लेकिन ऐसे लोग देखिए कितने तेज होते हैं, थर्ड पार्टी पता नहीं कितने लोगों के बीच में से होके वो अकाउंट निकलवाते हैं दूसरे के नाम से, कि बेचारे भोले भाले होते हैं, उनके नाम से अकाउंट खुलवा के ATM डाल लेते हैं, उसी में पैसे डलवाते रहते हैं और उसी के नाम से फ़ोनपे सब कुछ होता है। और पुलिस अगर जांच भी करती है तो उस बंदे को पकड़ती है जो कहीं खेत में बेचारा बकरी चराते हुए मिलता है, उसको पता ही नहीं होता बैंक क्या है, आईफोन क्या है, पैसे किस तरह से बैंक में डलते हैं, तो ऐसे लोगों को पुलिस नहीं पकड़ पाती है। तो भाई जो लोग लालच में ये सस्ते के चक्कर में बोलते हैं हम फ़ोन मंगवा लें विदेश से, तो थोड़ा सा डब लें, बच लें, इंडिया में थोड़ा सस्ता फ़ोन ले लोगे तो अच्छा होगा, वरना ये हालात किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।